आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 25 व 26 गति 110 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। स्टॉप, यह आवश्यकता है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, कौमा उद्यम करने की भावना बढ़ सके, कौमा उसका विकास हो सके और वह पनप सके। स्टॉप, हमने यही करने की चेष्टा की है। अब यह काम उद्यमियों का है कि पूंजी निवेश करके उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिक कुशलता लाकर ज़्यादा रोजगार पैदा करें और आय बढ़ाएं। स्टॉप, आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ेगी और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है। स्टॉप, इस तरह पूरा पिरामिड बढ़ता जाएगा। यह विचार बड़ा स्पष्ट और सरल लगता है, परंतु जब इसे लेकर हमारे जैसे विशाल आकार, कौमा जनसंख्या और सामाजिक जटिलताओं वाले देश पर लागू किया जाता है तो इसे कार्यान्वित करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाता है। पैरा, अब चूंकि प्रगति और वृद्धि के लिए वातावरण अधिक अनुकूल बन गया है, कौमा इसलिए अब संसाधनों का प्रश्न हमारे सामने आता है। स्टॉप, प्रौद्योगिक गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतियोगिता के प्रश्न सामने आते हैं। स्टॉप, इन प्रश्नों पर विचार करते समय हमें विदेशी कारकों की समस्या पर भी ध्यान रखना पड़ता है। इस संदर्भ में विदेश से निवेश और प्रौद्योगिकी अपने देश में आती रहे, यह प्रश्न प्रासंगिक बन जाता है। बाजार में प्रवेश मिलने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। हम एक अलग थलग द्वीप बनकर नहीं रह सकते। हमें तो स्वयं को विश्व की प्रणाली के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। इसी के साथ द्वीप का भी अस्तित्व बने रहना चाहिए और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिसे विश्वव्यापीकरण कहा जाता है, वह विश्व का एक भाग बनने का प्रयास मात्र है। इसके बाद ही हम शेष विश्व से यह आशा कर सकेंगे कि वह हमें हमारी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करे। स्टॉप, मुझे विश्वास है कि ऐसा करते समय विसम्मति की कोई आवाज़ नहीं होगी, किंतु हम विश्वव्यापीकरण केवल उसी के लिए नहीं कर रहे। स्टॉप, यह तो विशिष्ट रूप से भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि शून्य देकर केवल शून्य ही मिलता है। इसलिए हम अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम यह देखें कि इससे देने वाले और लेने वाले दोनों का लाभ है। स्टॉप, विश्व अर्थव्यवस्था आज अधिकांशतः बाजार की ताकतों के सहारे चल रही है और यदि हम इन बातों को अनदेखा कर देंगे तो इससे हमें भी भारी हानि उठानी पड़ेगी। अपने प्रयासों में हमने इस वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयास किया है। विश्वव्यापीकरण से हम अभिभूत नहीं है, परंतु हम अपनी ओर से यथार्थ को समझने की पूरी चेष्टा करते हैं। कुछ आलोचकों ने यह कहा है कि विदेशी निवेशकर्ता हमारी अर्थव्यवस्था पर छा जाएंगे। पैरा, महोदय, इस संबंध में मैं केवल यह कह सकता हूँ कि अब तक यद्यपि हमारी नीतियों पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है, स्टॉप, परंतु यह हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नितांत अपर्याप्त हैं। स्टॉप,
आपको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कल विदेशी निवेशकों के छा जाने का खतरा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित आप लोगों में विश्वास की कौमा आत्मविश्वास की भावना बड़ी प्रबल है और यही इस प्रकार की आलोचना का सही उत्तर है। स्टॉप। मैं विदेशी निवेश के प्रस्तावों की दो विशेषताओं को दोहराना चाहूँगा ताकि हर व्यक्ति इस बारे में आश्वस्त हो जाए कि न तो हम पर कोई छा रहा है और न ही हम अपना देश बेच रहे हैं। स्टॉप। एक तो विदेशी निवेश के लगभग 90% प्रस्ताव संयुक्त उद्यमों में है कौमा अर्थात भारतीय उद्यमियों की साझेदारी में है। दूसरे कौमा हमने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दी है कि हम निवेश आधारित संरचना वाले क्षेत्रों में और प्राथमिकता वाले अन्य उद्योगों में चाहते हैं। स्टॉप। अभी तक जो प्रस्ताव मिले हैं उनमें से 80% से भी अधिक हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए हैं। विदेशी निवेश के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया गया है और जिन विदेशी निवेशों को स्वीकृति दी गई है उसका भी एक बहुत बड़ा भाग बिजली कौमा पेट्रोलियम धातु कर्म उद्योगों कौमा रसायनों कौमा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों बिजली के उपस्करों आदि के लिए यह आशंका का विदेशी निवेशक केवल उपभोक्ता सामानों के लिए हमारे बाजारों में पैठ करना चाहते हैं कौमा उसका समर्थन सरकार को मिले प्रस्तावों या स्वीकृति प्राप्त प्रस्तावों से नहीं आता। थोड़े से परंतु बहुत अधिक दीख पड़ने वाले मामलों को लेकर गलत प्रभाव पड़ सकता है। औद्योगिक और आधारिक संरचना वाली परियोजनाओं को पूरा होने में लंबा समय लगता है। एक बार जब इन परियोजनाओं में काम शुरू हो जाएगा तो बढ़े हुए उत्पादन और रोजगार के रूप में इनके परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। पैरा। विकास कार्यों में लघु उद्योगों की गतिशील भूमिका होती है। इस क्षेत्र में लगभग 1,40,00,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है और इनमें लगभग 7,500 वस्तुओं का उत्पादन होता है। स्टॉप। यद्यपि यह क्षेत्र हमारे सुधारों से उचित ढंग से सामंजस्य बिठा रहा है किंतु सरकार इसे अपना और अधिक समर्थन देगी। पैरा। इस क्षेत्र के लिए ऋण मिलने का विशेष महत्व है। स्टॉप। 2000 और 2003 के बीच इस क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में 4,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विशेष शाखाएं खोली जा चुकी हैं और 100 नई शाखाएं निकट भविष्य में खोली जाएंगी। अलीगढ़ लुधियाना तटवर्ती केरल और हावड़ा में लघु उद्योगों की बस्तियों में प्रौद्योगिकी को सुधारने और आधुनिकीकरण के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सहायता देगा। सरकार भी लघु उद्योगों की इस बात में सहायता करेगी कि वह विदेशों में स्थित ऐसी इकाइयों से संपर्क स्थापित कर सकें और तदनुसार प्रगति कर सकें। पैरा। मैं आपकी नीतिगत समझ को समझता हूँ। स्टॉप। मैं यह भी समझता हूँ कि बजट को प्रस्तुत करने से पहले इन सभी क्षेत्रों और पहलुओं पर विचार करने के लिए आपके पास समय नहीं था। स्टॉप। आपने कतिपय नीतियों को जारी रखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि उदारीकृत नीति की कुछ सीमाएं हैं। इससे भी सभी घरेलू क्षेत्रों में शुरू नहीं किया जा सकता है। इसे सभी स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं और लघु उद्योगों में शुरू नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। इसे आधारभूत ढांचे में शुरू
किया जा सकता है। स्टॉप।